नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखन और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। आज हमारे संगे मौजूद हैं तालबहट नगर पंचायत की 3 बार से नगर पंचायत अध्यक्ष रहीं और अब हाल ही के चुनाव में तमाम सवाल भी पैदा भाई, लेकिन उनके बाद नगर पंचायत अध्यक्ष को चुनाव नहीं लड़ी, पर्चा अपनों खींच लो। और अब वे हमारे संगे हैं और चुनावी चर्चा करवे के लाने मौजूद हैं। मुक्ता सोनी एक ललितपुर जिला में बड़ो नाव है, चुनवावे की जरूरत नहीं है, कहा कि आप लोग पेरेंट्स चीन थे जो। मुक्ता जी हमारे संगे हैं। अब हाल ही में जो चुनाव है मुक्ता जी, तमाम सवालात खड़े भए, तमाम पत्रकारन की गलियारे में चर्चाएं चलें कि मुक्ता जी चुनाव लड़ती तो फाइट होती, लेकिन मुक्ता जी लगातार 3 बार नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हैं और 4थी बार पर्चे नहीं डाल पाऊँ, इको कारण का। बुंदेली वार्ता के सब दर्शकों को सबसे पहले जय सिया राम। भैया जय सिया राम। देखिए, नगर पंचायत का जब ये चुनाव आया तो हमें उम्मीद थी, पूरी आशा थी कि भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी और मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर नगर पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, पर किसी कारण बस टिकट मुझे नहीं मिली। ये पार्टी के निर्णय थे, पार्टी के शीर्ष नेताओं के निर्णय थे और पुनीत सिंह जी को टिकट मिली और मुझे माननीय सांसद जी अनुराग शर्मा जी ने और हमारे सदर विधायक माननीय रामरतन कुशवाहा जी ने ये आदेश दिया कि मैं पार्टी की कार्यकर्ता के रूप में कार्य करूं। और चूंकि टिकट मोंटू भैया को मिली थी तो उनके लिए काम मुझे करना था, तो फिर हमने यही निर्णय लिया कि ठीक है, निर्दलीय चुनाव ना लड़ेंगे और पार्टी का जो निर्णय हुआ है, जो आदेश हुआ है, उसी को शिरोधार्य करते हुए हमने फिर पार्टी के लिए काम। लेकिन उस दरमियान आपकी आंखन से जो असुआ निकले, आपके शुभचिंतकन में बड़ा रोष देखेगा, उनको लेकर तमाम तरीका की चर्चा हो रही थी, उस संबंध में आपका। देखिए, चूंकि मैंने 2006 से और कहना चाहिए 2005 से राजनीतिक करियर शुरू किया था, जब मेरे बच्चे छोटे थे, और अपने बच्चों को बड़ा करते करते जो मेरे टीम में मेरे साथ छोटे भाई मेरे काम करते थे, उनको भी मैंने मातृत्व जैसा ही स्नेह दिया, बात्सल्य भाव से, कोई मुझे दीदी कोई भाभी, और इसी तरह का स्नेह मैंने अपने छोटे भाइयों को दिया है। और जब उस दिन ऐसा लगा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी का ये निर्णय हुआ है कि हमें सिंबल भी नहीं मिलेगा और चुनाव भी नहीं लड़ना है, सिर्फ चुनाव के लिए काम करना है, तो एक स्वाभाविक बात है कि जब हम परिवार की तरह काम करते हैं और परिवार के मुखिया को जब कोई पीड़ा पहुँचती है तो छोटे भाई बहन सबको दुख होना लाजमी बात है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है वो। तो मेरे सब ऑफिस में सभी हमारे साथी जो हैं सभी रोने लगे। मुझे इस बात का दुख कम था कि मुझे टिकट नहीं मिली या मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, बल्कि मुझे उस दिन दुख इस बात का कि सब लोग मुझे कितना स्नेह देते हैं। मैंने अगर 15 साल पूरे कार्यकाल मैंने 3 किए तालबहट में नगर की जनता के लिए, और मैंने 15 वर्ष अगर अपने नगर को दिए हैं, तो उसका रिटर्न मुझे नगर ने बहुत अधिक स्नेह बहुत अधिक विश्वास का दिया है। और वो स्नेह देखकर मुझे अंदर से बड़ा बुरा लगा कि नगर की जनता मुझे कितना प्रेम करती है, उस प्रेम के मेरे आंसू थे। और चूँकि निर्णय पार्टी का ये हुआ था कि हमें काम पार्टी के लिए करना है, तो फिर हमने वही स्वीकार। अब लोकसभा के चुनाव आ गए, इस संबंध में आपके सामने डबल चैलेंज है। एक तरफ प्रदीप जैन आदित्य आपके तालबहट नगर में उनकी ससुराल है, दूसरी तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, तो इन परिस्थितियों में कैसे आप तालमेल बिठाओ? जी देखिए, प्रदीप जैन जी आदित्य जी बड़े सहज हैं, बड़े हमारे आदरणीय हैं। चूंकि हम बुंदेलखंडवासी हैं तो रीता दीदी का ये तालबहट मायका है, और बुंदेलखंडी में तो मानदान को पाओने कहते हैं, हमारे पाओने हैं प्रदीप जी, और मैं उनका सम्मान करती हूँ, हृदय से सम्मान करती हूँ। लेकिन ये एक तरफ रिश्ते नाते की बात है। अभी मैंने कहा कि मैं रिश्ते में अपने सभी साथियों को अपने छोटे भाई की तरह स्नेह करती थी, तो ये भी रिश्ता है। प्रदीप जी झांसी से मेरे भाई हो सकते हैं, इधर से मेरे मानदान हैं, जीजा जी हैं, लेकिन आज मुद्दा राष्ट्रहित का है और सर्वोच्च नेतृत्व हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहिए। अगर हम एक मिनट के लिए ये सोचें भी कि सांसद के रूप में हम प्रदीप जैन आदित्य जी को चुनते हैं, तो सर्वोच्च नेतृत्व क्या होगा? राहुल गांधी की, अखिलेश यादव की, मायावती जी की, अरविंद केजरीवाल की, ममता बनर्जी? कोई नहीं, शून्य बटा सन्नाटा यही होगा। लेकिन हमें शीर्ष नेतृत्व इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी चाहिए, हमें उनके हाथ मजबूत करने हैं, जिन्होंने विश्व के मंच पर भारत को स्थापित किया है, हमें वह नेतृत्व चाहिए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रही हूँ और अनुराग शर्मा जी के लिए वोट अपील। लेकिन अब तालबहट में जब हम लोग निकल रहे थे, कछु आम आदमी खड़े थे, उन लोगों से बात करी
तो भी ये चीज़ को बता रहे थे कि कहूँ ना कहूँ तालबेहट नगर में प्रदीप जैनादे तो अनुराग शर्मा की फाइट है। बाबी ऊपर स्थिति में जब वर्तमान के नगर पंचायत अध्यक्ष हो, इससे पहले 3 बार की आप नगर पंचायत अध्यक्ष, 2 ही नगर पंचायत भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इनकी बात भी आदमी थे कि फाइट बता रहे। अब मुझे तो ये नहीं समझ आया कि आपने कहाँ बात की। वैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं और वोट भी निकलेगा। ये 4 जून को आप रिजल्ट देखिए, तालबेहट में वोट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, आप लोग जब जनता में जा रहे तो कौन कार्यान खुले के मुख्य रूप से आप लोग वोट मांग रहे? हम लोग मोदी जी के जो विकास की जो उनकी योजनाएं हैं उनको लेकर, महिलाओं के लिए जो उन्होंने महिलाओं के सम्मान के लिए काम किए हैं उनको हम लोग प्राथमिकता के आधार पर रख रहे हैं। जैसे किसानों के लिए उन्होंने मुआवजा दिया है मोदी जी ने, महिलाओं के सम्मान में इतने सारे काम किए हैं। आवास योजना में उन्होंने करोड़ों लाखों घर बनाए हैं। स्वच्छता मिशन पर काम किया है, 370 धारा भी हटाई है। और सबसे जो हमारे हृदय के करीब है ऐसा निर्णय जो माननीय मोदी जी का रहा है कि उन्होंने राम मंदिर, जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे, वह कार्य किया है। और हमारे बुंदेलखंड में हमारी लोकसभा सीट पर अगर देखा जाए तो अनुराग शर्मा जी के भी कार्य बहुत विकास के रहे हैं, प्रगति के रहे हैं। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर, विकास की बातों को लेकर हम जनता में जा रहे हैं और वोट अपील कर रहे हैं। लेकिन कछु आदमी ये चीज़ को भी कहते हैं अनुराग शर्मा जी हमारे आए नंजा कभू मिले नंजा। देखिए, हमारा झांसी ललितपुर सीट, जो आप तो पत्रकारिता से जुड़े हैं, राजनीति के आपको भी खूब खबर है और आप जानते हैं कि हमारा ललितपुर झांसी का संसदीय क्षेत्र बहुत लंबा है और माननीय सांसद जी को दिल्ली भी जाना होता है, संसद की कार्यवाही भी पूरी करनी होती है और भागना भी होता है। इतने सारे विकास के मुद्दे हैं जिन पर उन्हें काम भी करना है और वो कईयों बार आए भी हैं, ऐसा भी ये झूठा आरोप है कि वो नहीं आए हैं, और बहुत सारी सौगातें उन्होंने इस क्षेत्र को दी हैं। अब झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र में परसों मतदान हुई है 20 तारीख के समथिंग, तो आप क्या देख रहे हैं? टफ फाइट है, एक तरफा चुनाव है, कौन तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग तो एक ध्येय बनाकर चल रहे हैं कि मोदी जी की सरकार 400 पार होगी और हम अनुराग शर्मा जी को जिताकर पुनः संसद में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी हैं हमारे संगे मुक्ता सोनी जी, तालबेहट नगर पंचायत से लगातार 3 बार ने प्रतिनिधित्व करे है, अध्यक्ष जी चुनी गई और अब वर्तमान में वर्तमान अध्यक्ष हो गए भी लगातार भारतीय जनता पार्टी को काम कर रही, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से पद पे बता रही कि छोटे से पद पे भी तैनात हैं और लगातार जनता से जा रही, और स्पष्ट रूप से कह वो है कि आगे वाले समय में भारतीय जनता पार्टी 400 की पार जे और अनुराग शर्मा इस चुनाव को जीते। अब का हुए जो 4 तारीख को पता चले और उसके बाद फिर से मुक्ता सोनी जी के साथ आप लोगों को एक नई मुलाकात दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जिन्होंने।